दोस्तों, भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के विषय में पूरे विश्व में जाना जाता है, पर इसी भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में, जैसे द निकोबार आइसलैंड, द भानगढ़ फोर्ट। क्या है इनके पीछे का रहस्य? क्यों आखिर जाना मना है ऐसी जगहों पर? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, भारत में ऐसी अनेक जगह हैं जहाँ पर जाना किसी को अलाउड नहीं है, जिसके पीछे अनेकों अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिसके पीछे भूत प्रेत, काला जादू, श्रापित होना और ऐसी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं उन जगहों को लेकर। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी हैं वो जगहें और क्यों आखिर वो इतनी रेस्ट्रिक्टेड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्साई चेन की, जो कि इंडिया के नॉर्थ मोस्ट रीजन में स्थित है, जो कि पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। दोस्तों, इंडिया क्लेम करती है कि ये लद्दाख का एक पार्ट है, और वहीं दूसरी तरफ चाइना क्लेम करती है कि ये होतान प्रीफेक्चर का एक पार्ट है, पर एक्चुअल में दोस्तों ये द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक पार्ट है। दोस्तों, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और घूमने लायक है, पर दोस्तों ये इतने सारे विवादों से जुड़े रहने के कारण इस जगह पे गवर्नमेंट के द्वारा टोटली रिस्ट्रिक्टेड है। अब हम बात करते हैं द निकोबार आइसलैंड की। दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइसलैंड का द निकोबार आइसलैंड ये टोटली गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, एक सैम्पियंस और दूसरा द निकोबारीज। क्योंकि दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट प्रिजर्व करना चाहती है इनके पीसफुल लाइफ, कल्चर और हैबिटेट्स को, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। हाँ, आप इस यहाँ पर घूमने के लिए बेशक जा सकते हैं, पर अगर आप किसी रिसर्च पर्पस से जा रहे हैं तो यहाँ पर जाना टोटली अलाउड नहीं है। दोस्तों, यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में भी शामिल कर लिया है। यहाँ पर आप घूमने के पर्पस से तो जा सकते हैं, पर आप यहाँ पर किसी रिसर्च पर्पस से नहीं जा सकते हैं, और भूल कर भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास तो जाना खतरे से खाली नहीं है। अब हम दोस्तों बात करेंगे द वन एंड ओनली सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जो कि है द भानगढ़ फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, जो कि राजस्थान के अलावा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, ये फोर्ट बना है 17वीं शताब्दी को। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जो रानी थी, उन्हीं के राज्य में एक काला जादू करने वाले की बुरी नज़र उन पर पड़ी। उसने एक इत्र की शीशी में काला जादू करके राजकुमारी तक पहुँचा दिया। राजकुमारी जब भी उस परफ्यूम को यूज़ करती तो वो काला जादू करने वाले के वश में होती जाती। दोस्तों, एक बार काला जादू करने वाले को राजकुमारी ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उस शीशी को एक पत्थर में पटक कर फोड़ दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो जो पत्थर था, उसी पत्थर से उस काला जादू करने वाले की मौत हुई। तो जो काला जादू करने वाला था, उसने मरते वक्त पूरे गाँव को श्राप दे दिया कि अब यहाँ पर कोई भी चैन और सुकून से नहीं रह पाएगा। इस वजह से वहाँ पर आज भी कोई नहीं रहता है, और जो इक्का दुक्का लोग रहते हैं वो भी वहाँ से जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि दिन में भी वो वहाँ पर किसी के होने का एहसास करते हैं, और रात में तो वहाँ रुकना मना है। तो दोस्तों, ये सब बातें सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं। दोस्तों, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, भूत क्या है, भूत कैसे किसी को पजेस्ट करते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जितनी भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं या जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जाना अलाउड नहीं है, सब लोग ऐसा कहने लगते हैं कि वहाँ पर भूत लगते हैं या श्रापित जगह है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले दो जगहों के बारे में बताया, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिस वजह से वहाँ जाना मना किया गया है। तो फिर क्या है दोस्तों इस भानगढ़ फोर्ट के पीछे की कहानी? दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है कि जिस जगह पे जाना मना हो, जहाँ पर लोग डराते हों और अफवाह फैलाते हों कि यहाँ जाना मना है, यहाँ भूत रहते हैं, श्रापित हैं, तो हमारे देश के लोग इतने क्रिएटिव हैं, इतने अच्छे हैं कि कहानियाँ वो अपने आप बना लेते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है भानगढ़ फोर्ट की, ये केवल एक कहानी नहीं, अनेकों अनेक प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं भानगढ़ फोर्ट को लेकर।
पर ये जो मैंने कहानी बताई आपको, ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है। कहानियाँ लोग अपने आप से ही क्रिएट करते रहते हैं। हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे नॉवलिस्ट हैं, हर दूसरा बंदा एक नॉवलिस्ट है। अच्छी अच्छी कहानियाँ खुद से ही क्रिएट करते हो हैं। सकता सकता है कि वो जगह जानबूझ के हॉरर प्लेस के नाम से मशहूर की गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। लोग अपने स्वार्थ को निकालने के लिए चीज़ों को बदनाम करते हैं, भूत प्रेतों की कहानियाँ फैलाते हैं। इस तरीके से जब लोग वहाँ जाते नहीं हैं तो वो अपना काम आराम से वहाँ कर सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हों जो जानबूझ के ऐसी अफवाहें फैला रहे हों, ताकि जो उनके अपने कार्य हैं वो कर सकें, उनके काम में कोई डिस्टरबेंस ना हो। भानगढ़ फोर्ट कोई एक जगह नहीं है, ऐसी अनेकों जगह हैं जहाँ पर भूत प्रेतों की कहानियाँ प्रचलित हैं, श्रापित होने की कहानियाँ प्रचलित हैं, पर दोस्तों वो एक एक करके एक्सपोज हुई हैं। अब दोस्तों वहाँ पर सच में कोई भूत है या शैतानी सोच के कुछ व्यक्ति, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि दोस्तों आजकल इंसान भी कम शैतान नहीं है। दोस्तों भूत प्रेतों से रिलेटेड, जादू टोनों से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई है, 20 मिनट की वीडियो है, अगर आप वो पूरा देख ले गए तो मैं मानता हूँ आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझ पाएंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।